स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कमोटेटर एंड कमोटेटर सब ग्रुप। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कमोटेटर एंड कमोटेटर सब ग्रुप की जो डेफिनेशन है वो क्या है, देन इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करेंगे, और लास्ट में इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे थ्रू एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है कमोटेटर की वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट स्टार्ट। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, लेट जी बी आ ग्रुप, लेट जी बी आ ग्रुप एंड ए कॉमा बी बिलोंग टू जी, ए कॉमा बी बिलोंग टू जी, देन A inverse, B inverse, AB is called commutator of A and B. A and B is denoted by square bracket A comma B. This is a definition of commutator. इसमें क्या कहा जा रहा है, Let G be a group. G हमारे पास क्या एक group है, and A comma B belong to G. उसमें से हमने दो एलिमेंट ले लिए जी में, देन ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी इज कॉल्ड कमोटेटर ऑफ ए एंड बी एंड इज डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉमा बी। सबसे पहले हमने एक ग्रुप ले लिया जी और उसमें से दो एलिमेंट ले लिए। अब हमारे पास ये हमारे पास जो कंडीशन है ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी, अगर इसके अंदर ये सेटिस्फाई हो रही है तो देन हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारे पास है कमोटेटर होगा किसका, ए एंड बी का, और इसको हम डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉमा बी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कमोटेटर। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है कमोटेटर सब ग्रुप की, जिसे हम डिराइव्ड ग्रुप भी कहते हैं, वो देखते हैं, देन हम इनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो इसके बाद हमारे पास जो डेफिनेशन है कमोटेटर सब ग्रुप की वो क्या है, कमोटेटर सब ग्रुप, कमोटेटर सब ग्रुप या फिर इसे हम कहते हैं डिराइव्ड ग्रुप, इसको हम किसका नाम देते हैं, डिराइव्ड ग्रुप का भी नाम देते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन वो क्या है, लेट जी बी आ, लेट जी बी आ ग्रुप, लेट जी बी आ ग्रुप एंड द सब ग्रुप जनरेटेड बाय ऑल कमोटेटर्स ऑफ जी इज कॉल्ड कमोटेटर सब ग्रुप और डिराइव्ड ग्रुप। राइट, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कमोटेटर सब ग्रुप, जिसमें क्या कहा जा रहा है,
लेट जी बी या ग्रुप, जी हमारे पास क्या ग्रुप है, एंड द सब ग्रुप जनरेटेड बाय ऑल कमोटेटर्स ऑफ जी, तो जी इज कॉल्ड कमोटेटर सब ग्रुप और ड्राइव्ड ग्रुप, जिसे हम ड्राइव्ड ग्रुप भी कहते हैं स्टूडेंट, कि हमारे पास जी हमारे पास क्या ग्रुप है और सब ग्रुप जो जनरेट हो रहा है किससे, कमोटेटर से, यानी कि जो हमारे पास कमोटेटर से सब ग्रुप जनरेट हो रहा है वो क्या कर रहा है, एक ग्रुप परफॉर्म कर रहा है जिसे हम इसका नाम दे रहे हैं ड्राइव्ड ग्रुप या फिर कमोटेटर सब ग्रुप का नाम दे रहे हैं स्टूडेंट। सो दिस इज अ डेफिनेशन से रिलेटेड, मजीद इसकी नोटेशन क्या है, इसको कैसे डिनोट करते हैं वो देखते हैं स्टूडेंट। is denoted by g dash comma g power 1 or square bracket g comma g, कि हम ड्राइव ग्रुप को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं g dash comma g power 1 और square bracket g comma g। सो इसी को स्टूडेंट हम ऐसे भी हम डिफाइन करते हैं, और द कलेक्शन और सेट ऑफ ऑल कमोटेटर्स, the collection or set of all commutators of G is called commutator subgroup or derived group. This is a definition of commutator or subgroup, कि हम इसको ऐसे भी define कर सकते हैं, the collection or set of all commutator of G is called commutator subgroup or derived group. Commutator की जो collection है वो क्या करती है, एक group perform करती है जिसे हम derived group या फिर commutator subgroup का नाम देते हैं student. So this is a definition of कमोटेटर सब ग्रुप। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड एक नोट्स है उसको डिस्कस करते हैं, देन हम इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर जाएंगे स्टूडेंट। नोट में क्या है स्टूडेंट, जी नॉट इज इक्वल टू जी, यानी कि जो हमारे पास ड्राइव्ड ग्रुप है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, जी नॉट इज इक्वल टू जी, g पावर वन इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट जी कॉमा जी, जी पावर टू इज इक्वल टू जी पावर वन कॉमा जी पावर वन डॉट, यहाँ पर जी पावर एन इज इक्वल टू जी पावर एन माइनस वन कॉमा जी पावर एन माइनस वन वेयर एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है, नोटेशन है ड्राइव्ड ग्रुप की। अब स्टूडेंट हम इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास है, लेट जी बी या ग्रुप एंड ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू जी,
देन इसकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, देन फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉमा बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी कॉमा ए, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड हमारे पास है ए कॉमा बी पावर सी इज इक्वल टू ए पावर सी कॉमा बी पावर सी, राइट। और इसके बाद थर्ड जो है हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास है ए कॉमा बी सी इज इक्वल टू ए कॉमा बी पावर सी इंटू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए कॉमा सी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे फोर क्या है हमारे पास, ए बी कॉमा सी इज इक्वल टू ए कॉमा सी पावर बी इंटू, ये हमारे पास आ जाएगा बी कॉमा सी, वेयर ए पावर सी इज इक्वल टू सी इनवर्स ए सी ए पावर सी डिनोट कंजुगेट सी इनवर्स ए सी ऑफ ए। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, फाइव हमारे पास क्या है ए कॉमा बी इनवर्स इज इक्वल टू बी कॉमा ए, इसकी पावर क्या आएगी बी इनवर्स आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है सिक्स में क्या है ए पावर इनवर्स उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास बी इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा बी कॉमा ए पावर ए इनवर्स। सो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर, जिसमें क्या कहा जा रहा है, लेट जी बी अ ग्रुप, जी हमारे पास क्या ग्रुप है एंड ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू जी, तीन एलिमेंट हमने ले लिए किसमें से, जी में से। देन इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है ए कॉमा बी माइनस वन इज इक्वल टू बी कॉमा ए, यानी कि इसका जब इनवर्स लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास बी कॉमा ए आ जाएगा। इसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास ए कॉमा बी स्क्वायर ब्रैकेट की पावर सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट ए पावर सी कॉमा बी पावर सी। इसके बाद थर्ड में क्या कहा जा रहा है स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉमा बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉमा बी इसकी पावर सी आ जाएगी इंटू स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉमा सी आ जाएगा। इसी तरह फोर जो है हमारे पास क्या है, फोर स्क्वायर ब्रैकेट ए बी कॉमा सी इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉमा सी इज पावर बी इंटू बी स्क्वायर ब्रैकेट बी कॉमा सी, वेयर ए पावर सी इज इक्वल टू सी इनवर्स ए सी एंड ए पावर सी डिनोट द कंजुगेट सी इनवर्स ए सी ऑफ ए एलिमेंट। और इसके बाद जो फाइव प्रॉपर्टीज में क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉमा बी इनवर्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट बी कॉमा ए इस पावर क्या है बी इनवर्स, इसकी पावर क्या है बी इनवर्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सिक्स जो है क्या है ए इनवर्स स्क्वायर ब्रैकेट ए इनवर्स कॉमा बी इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट बी कॉमा ए पावर ए इनवर्स। तो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर, ये हमारे पास क्या है प्रॉपर्टीज हैं किसकी, कम्यूटेटर की। वेयर हमारे पास ए पावर सी इज कंजुगेट एलिमेंट, कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है इसको हमने कंजुगेट एलिमेंट कंजुगेसी क्लास जो है ये क्या होती है ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ग्रुप 3.1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है, कंजुगेसी क्लास क्या होती है 3.1 के अंदर ये लेक्चर हमने डिस्कस किया है, तो जिसको वॉच करें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं स्टूडेंट। प्रॉपर्टी थी, अगर आपको इनके प्रूफ चाहिए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, हम आपको इनके प्रूफ भी करवा देंगे स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं थ्रू एग्जांपल।
रिमार्क्स क्या है हमारे पास? फर्स्ट, जी इज एन अबिलियन ग्रुप, जी इज एन अबिलियन ग्रुप इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू जी सच दैट कमोटेटर ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू आइडेंटिटी. सो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट हमारा कहा जा रहा है. जी इज एन अबिलियन ग्रुप. जी हमारे पास क्या होगा? एक अबिलियन ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू जी सच दैट स्क्वायर ब्रैकेट जो है हमारे पास एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू आइडेंटिटी, एंड इट मीन्स दैट कमोटेटर जो होगा इसका आइडेंटिटी एलिमेंट्स आएगा. इसमें क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट? इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आपके पास ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप है तो देन जो उसका कमोटेटर होगा, कोई भी हम जी में से एलिमेंट लेंगे, उनका जो कमोटेटर होगा वो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट्स आएगा. और अगर आइडेंटिटी एलिमेंट्स है तो उसका वो इट मीन्स दैट वो क्या होगा हमारे पास? अबिलियन ग्रुप आएगा. ये इफ एंड ओनली इफ का केस है. इसके एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल क्लाइन फोर ग्रुप जो कि हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप है, इसके अंदर हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या है? टू है, और हर एलिमेंट जो है वो सेल्फ इनवर्स है. अब ये जो हमने जो ग्रुप लिया है इसमें से कोई से भी दो एलिमेंट लें, इसमें से कोई से भी दो एलिमेंट आप लें, उनटेटर आएगा वो क्या आएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट्स आएगा, राइट? तो यही इसके अंदर रिजल्ट के अंदर कहा जा रहा है. जी इज एन अबिलियन ग्रुप इफ एंड ओनली इफ कमोटेटर ऑफ एलिमेंट लेंगे उस ग्रुप में से, उनका कमोटेटर जो आएगा हमेशा आइडेंटिटी आएगा. अगर आइडेंटिटी है तो वो क्या होगा हमारे पास? एक अबिलियन ग्रुप होगा. तो दिस इज अ फर्स्ट रिजल्ट कि हमारे पास जी अबिलियन होगा इफ एंड ओनली इफ कमोटेटर ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू आइडेंटिटी, वो क्या होगा? आइडेंटिटी होगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. इसके बाद सेकंड जो है वो देखते हैं क्या है हमारे पास. नंबर टू क्या है हमारे पास? कमो कमोटेटर सब ग्रुप इज द स्मॉलेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप कमोटेटर सब ग्रुप एच ले लेते हैं. कमोटेटर सब ग्रुप एच इज द स्मॉलेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप सच दैट जी ओवर एच इज एन अबिलियन ग्रुप. आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स. ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है. इसमें क्या कहा जा रहा है? कमोटेटर सब ग्रुप एच इज द स्मॉलेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप. जी हमारे पास क्या होता है? स्मॉलेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप होता है किसका? जी का. सच दैट जी अबिलियन, ठीक है, स्मॉलेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट जी ओवर एच इज एन अबिलियन ग्रुप. अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल क्यूएन ले लेते हैं, कुटर्निय ग्रुप जो कि हमारे पास एक नॉन अबिलियन ग्रुप है, प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के. ये हमारे पास क्या है? एक नॉन अबिलियन ग्रुप है. अब इसमें हम एक सब ग्रुप ले लेते हैं प्लस माइनस वन जो कि नॉर्मल सब ग्रुप है किसका? क्यू एट का. ये हमने एक सब ग्रुप लिया जो कि हमारे पास क्यू एट के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप है. अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास क्या आएगा? क्यू एट ओवर प्लस माइनस वन. ये जो हमारे पास क्या है? आसियोमॉर्फिक है किसके? के फोर के, क्लाइन फोर ग्रुप जो कि हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप है. क्या हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप है? तो यहां से स्टूडेंट ये जो अभी हमने रिजल्ट देखा इसमें क्या कहा जा रहा है? कमोटेटर सब ग्रुप एच इज स्मॉलेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट फैक्टर ग्रुप जी ओवर एच इज एन अबिलियन ग्रुप. ये जो हमारे पास क्यू एट है ये हमारे पास क्या है?
ए कुटरनियन को, ये नॉन अबेलियन ग्रुप है और इसमें से हमने एक सब ग्रुप ले लिया प्लस माइनस वन जो कि इसके अंदर क्यू एट के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप है। अब यहाँ पर इसका जब हमने फैक्टर ग्रुप डिफाइन किया तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, इसका आइसोमॉर्फिक है के फोर के, जो कि हमारे पास एक अबेलियन ग्रुप है। ये जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है, समालिस्ट नॉर्मल सब ग्रुप है। और हमें पता है जो कमोटेटर होता है वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है, इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप, कमोटेटर इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप। सो ये हमारे पास क्या है, प्लस माइनस वन इज द समालिस्ट नॉर्मल सब ग्रुप किसके, Q8 का ये हमारे पास क्या है, समालिस्ट नॉर्मल सब ग्रुप है, राइट, नॉन ट्रिवियल, यानी ये हमारे पास ट्रिवियल के अलावा, क्योंकि आइडेंटिटी और जी इटसेल्फ वो तो ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप, लेकिन हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या होगा, इसका समालिस्ट नॉर्मल सब ग्रुप है इसकी, इसका Q8 का स्टूडेंट। अब इसके बाद स्टूडेंट एक और रिजल्ट है वो देखते हैं क्या है, नंबर थ्री पर क्या है हमारे पास, जी डैश इज ऑलवेज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। जी डैश जो होता है वो क्या, हमेशा एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का, जी डैश मीन्स ड्राइव्ड ग्रुप या फिर कमोटेटर सब ग्रुप। ये कमोटेटर सब ग्रुप जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है स्टूडेंट। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम कमोटेटर और कमोटेटर सब ग्रुप का है, इसका यूज क्या है, इसका स्टूडेंट हम यूज करेंगे इन फाइंडिंग द सॉल्युबल ग्रुप। जब हम सॉल्युबल ग्रुप को डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम यूज करेंगे कमोटेटर का, कि कमोटेटर हम जब हम सीरीज के अंदर बात करेंगे तो वहां पर भी इसको हम यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप फाइंड करने के लिए भी हम इसको यूज करेंगे कमोटेटर को। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम ग्रुप थ्योरी के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हे देयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दिस बेल आइकन।